बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला स्पंज केक, जिसके लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे, 1 कप चीनी, 125 ग्राम बटर, 1 चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 कप दूध, 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 कप मैदा। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, बेकिंग पाउडर और मैदे को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसको छान लेंगे। अब ओवन प्लेट्स को मैं अच्छे से बटर के साथ ग्रीस कर रही हूँ। एक बर्तन लिया जिसमें मैंने बटर ऐड किया और इसको 5 मिनट तक मैंने बीट किया। जब तक ये अच्छे से बीट ना हो जाए इसको बीट करते रहना। फिर इसमें चीनी शामिल कर दें और इसको दोबारा से बीट करें। इसमें अंडे शामिल करें। ये ध्यान रखना कि अंडे एक दफ़ा ही शामिल नहीं करते हैं, 1 बाय 1 ऐड करने हैं और इनको 1-1 मिनट के लिए बीट करते जाना। अब इसमें मैदा शामिल कर दें। सारा नहीं शामिल करूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। दूध भी थोड़ा शामिल करूंगी। बाकी का मैदा इसमें शामिल किया है मैंने और साथ ही थोड़ा सा दूध भी शामिल कर रही हूँ। इस तरह शामिल करने से इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। बाकी का मैदा भी शामिल कर दिया और दूध भी मैंने शामिल कर दिया इसमें। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया और दोनों प्लेट्स में मैं इक्वली दोनों में डाल लूँगी। इसको 2-3 दफ़ा टैप करें ताकि इसमें से जो बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं। ओवन को 20 मिनट्स के लिए मैंने पहले हीट अप कर लिया था 180 डिग्री पे और ये मैं ओवन प्लेट्स इसमें रख रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट इसको मैंने दिए ओवन को। पंद्रह मिनट के बाद मैंने इसको निकाल के टूथपिक के साथ चेक कर लिया। अगर तो टूथपिक क्लीन आए तो केक इज़ रेडी।
हमारा वनीला स्पंज केक जो है वो रेडी है, और इसको मैंने निकाल के 10 मिनट के लिए प्लेट्स में ही रख देना है, और उसके बाद इनको निकाल के कूलिंग रैक के ऊपर रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर डिटेल्स एंड आल्सो लाइक माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहें तो डेकोरेट भी कर सकते हैं, मैंने लास्ट में इनको डेकोर करके भी दिखाया, बड़ा फ्लफी सा लग रहा है ये। सी, इसको मैंने डेकोर कर लिया, फिर किसी वीडियो में मैं आपको इसको डेकोर करना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।